मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ आलू बुखारे इमली की चटनी। इसके लिए मैं आलू बुखारा लिया है एक पाव, एक कप मैंने चीनी का लिया है, इधर मैंने बादाम लिए। आज मैंने को ऊपर छिलका की तरह वैसे ऐड करूँगी। इधर मैंने इमली का पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूंगी, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जो भी मिर्च आप इस्तेमाल करना चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए माशाल्लाह मेरे आलू बुखारी इमली की चटनी बिल्कुल तैयार होने वाली है। अब इसमें ऐड करूंगी इमली का पानी थोड़ा सा, अगर आपके पास इमली नहीं तो आप एक अदर लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी चटपटी बन जाएगी इससे। देखिए मेरे पास इमली थी, मैंने वही इसमें डाल दी। इसमें अभी को थोड़ी देर के मैं पकने के लिए रख दूंगी हल्की फ्लेम पे। प्लीज़ सब मेरे लोग वीडियो को वॉच किया करें, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मेरे व्यू बहुत कम आने शुरू हो गए हैं। अब जो मेरी वीडियो को भी आएगा मेरी वीडियो पे कमेंट और लाइक करेगा, मैं सिर्फ उसी की वीडियो पे कमेंट और लाइक करूँगी। अब मैं भी किसी की वीडियो पे नहीं जाऊँगी। देखें माशाल्लाह दो दस बच्चे। हाँ जी चनी मेरे रैन क्या कर रही है, रैन क्या कर रही है? हाँ जी बेटा ऊपर नहीं है ना, आज ऊपर है ना किचन में। अरे पौधे को ना, पौधा तो टूट जाएगा। ये मेरा पौधा है इलायची का है, ये इलायची का पौधा है। देखें ये सारा इलायची का पौधा है, बहुत लंबा सा है। नहीं खेचो, नहीं खेचो इसको, टूट जाएगी। हाँ जी अली आपने क्या लेना है? देखे हमारे बच्चे हैं दोनों, बहुत तंग करते हैं हमें सारा दिन। इधर आ जाओ, बाहर ही जाना, इधर आ जाओ। अरे वापस आओ, वापस आ जाओ मेरी गुड़िया, वापस आए, आ जाओ आ जाओ। मुंह में डालो, मुंह में, मुंह से निकालो। चले फिर मैं फिर आ गई हूँ किचन में, बच्चों को भी देखना होता है साथ साथ। देखिए माशाल्लाह चटनी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई वो भी तैयार हो जाए थोड़ी देर में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं इसलिए बाहर जाके कोई व्लॉग नहीं बना रही, घर में ही थोड़ी सी रेसिपी बना लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है इस दफ़ा तो, दिल ही करता है कुछ करने को भी। आपको भी ऐसे गर्मी, आप एक मिनट में बताएं कहाँ कहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। फैसलाबाद में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अब मैं करती हूँ इसमें बादाम ऐड, क्योंकि इस दफ़ा मैंने इसको इसके छिलके नहीं तारे ऊपर से, ऐसे मैंने इसको डाल दिया है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है। मेरे चैनल को जो न्यू होते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। अब मैं वीडियो करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।